23 में यशस्वी आपका भाई। आज मैं लगाने वाला हूँ लेमन का पेड़, और ये सब मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं घर पे हूँ और मैं कहीं घूमने भी नहीं जाऊँगा और लॉकडाउन का पालन भी करूँगा और घर पे अपने वृक्ष भी लगाऊँगा और इसका फल भी खाऊँगा। तो इसीलिए आप भी अपने घर पे लगाइए, अगर आपके घर पे जगह है तो, नहीं है तो दूसरे घर पे मत लगा देना, नहीं तो वही तोड़ेगा, आप तोड़ोगे नहीं। तो बिना टाइम गवाए चलो मैं चालू करता हूँ। अभी मैं कलम करूँगा इसको, कलम करके फिर लगाऊँगा अपने घर के पास में। बहुत सारा लाया मैंने, देखिए दिखाइए, बहुत सारा लाया है इधर, देखिए इसका कलम कर दिया हूँ, बस इसका बचा है कलम करने के लिए। तो मैं नीचे इसलिए बैठा हूँ कि इसी पे कलम करूँगा। चलो फिर कलम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मैं बताना चाहूँगा आपको, आप नाइफ जब भी ले तो बहुत चौक सा नाइफ लें जिसमें धार हो, नहीं तो आप 2 रुपये का ब्लेड खरीद लीजिए। मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा किया हूँ, करीबन 8-10 जगह पे लगाऊंगा मैं, सेम कर लेता हूँ। ये देखिए ऐसा हो गया, अभी इसे लगाना है। तो चलिए हम आपको सब काट कर फिर लेके चलते हैं वहाँ पे लगाने के लिए। देखो ये हमारे घर पे जैविक खाद बनाई गई है, भैंस का गोबर गाय का गोबर मिक्स है, यानी कि कंपोस्ट बनाया गया है। इस कंपोस्ट उसमें से हम निकालेंगे, जहाँ पे देखो एकदम पीला हो चुका है, एकदम चाय के पत्ती के जैसा कलर जहाँ पे हो गया वो सही है, उसी को हम निकालेंगे। ये देखिए, और हम जहाँ भी पेड़ लगाते हैं वहीं पे इसे डालते हैं, और ये बिल्कुल सड़ चुकी है और बहुत ही अच्छी है जैविक खाद कंपोस्ट। तो हम इसे ले लेते हैं ढेर सारा ताकि सभी पेड़ों में हो जाए। इसमें केचुए भी रहते हैं लेकिन धूप के वजह से इसमें केचुए नहीं है अभी। कैसे हम कंपोस्ट को गड्ढे में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी गड्ढों में डालेंगे। इस कंपोस्ट की खाद को हम सभी गड्ढे में डालेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए धूप काफी है तो इसके लिए वीडियो नहीं बन पा रहा है, मैं इसको इतना डालूंगा एक गड्ढे में। लगाने के लिए जा रहा हूँ, इधर हम अपने गन्ने के खेत के पास में लगा रहे हैं वहाँ पे करीब 1-1 मीटर की दूरी पे। तो आज ये दिखाते हैं, साथ में एक छोटा सा ले लेता हूँ और इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। बात में क्या, और कंपोस्ट की खाद भी डाला हूँ ताकि ये अच्छा सो जाए। लेकिन हाँ एक बात है, जब भी इसे लगाएं तो एकदम तेजी से कड़ा करके लगाएं ताकि ये हिले ना, अगर हिलेगा तो पक्का नहीं धरेगा।
तो हमने इसे अभी बहुत जाम कर दिया है और इसमें मिट्टी डाल दे रहे हैं। मिट्टी डाल के अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि ये हिले। अगर थोड़ा भी हिलेगा तो धरेगा नहीं है। तो गाइस हमने पानी भर लिया, अब हम जा रहे हैं पानी देने लेमन के पेड़ों में ताकि वो अच्छे से बढ़े और उसको अच्छे से भोजन मिले। अभी थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, इसके बाद हम इसे पूरा ही भर देंगे खेत को और ऑटोमेटिक पानी मिल जाएगा उससे। तो चलिए आ जाओ हमारे पीछे पीछे। अब हम इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे इन सब पेड़ों को। देखिए जैसे मैं दे रहा हूँ साइड साइड में देंगे ताकि पेड़ों के पास ना पेड़ थोड़ा भी हिलेगा तो लगेगा नहीं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट में बता दीजिए कि वीडियो बड़ी अच्छी थी और बहुत मज़ा भी आया देखकर। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान।